70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में एक मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी बिंदिया गोस्वामी। बिंदिया गोस्वामी जो है सालों से अब फिल्मी दुनिया से दूर है, लेकिन उस दौर में उनके बहुत चर्चे होते थे। वो जो है विनोद मेहरा की दूसरी वाइफ थी। इसके अलावा जेपी दत्ता के साथ उन्होंने घर से भागकर शादी की थी। उनकी लाइफ में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिंदिया गोस्वामी का जन्म जो है 6 जनवरी 1962 को राजस्थान में हुआ था। उनके पिता जो हैं एक मंदिर में पुजारी थे और उनकी माँ जो है क्रिश्चियन थी। और बिंदिया गोस्वामी जब बड़ी हुई तो 14 साल की उम्र से ही उनको जो है मॉडलिंग का शौक चढ़ा। और एक पार्टी में जो है हेमा मालिनी की माँ ने उनको देखा था और उन्हें लगा कि उनकी वो जो बिंदिया जो है उनकी बेटी से बहुत मिलती जुलती हैं, और उन्होंने उनको कहा कि आपको जो है बॉलीवुड फिल्मों में आना चाहिए। हेमा मालिनी की माँ ने जो है बिंदिया को कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए, जिसके बाद बिंदिया गोस्वामी ने जो है कुछ फिल्म मेकर्स को कॉन्टैक्ट किया और उनको जो है जीवन ज्योति नाम की फिल्म मिली। इससे पहले जो है उन्होंने एक असमीज फिल्म में भी काम किया था। शुरुआती कई फिल्में जो है उनकी बहुत ज़्यादा चली नहीं, लेकिन फिर भी उनको जो है बॉलीवुड में पहचान मिल गई थी। शान फिल्म में जो है वो शशि कपूर के साथ कास्ट हुई थी और उस फिल्म से उनकी बहुत चर्चा हुई। उनको शक्ति फिल्म भी मिली थी, लेकिन शक्ति फिल्म जो है उनके हाथ से निकल गई थी और उनकी जगह जो है स्मिता पाटिल को रख लिया गया था। कहीं ना कहीं इशारों में बिंदिया गोस्वामी ने कहने की कोशिश की कि अमिताभ बच्चन नहीं चाहते थे कि वो उनके साथ काम करें, और उनकी वजह से जो है फिल्म में स्मिता पाटिल की एंट्री हो गई। इसके अलावा आपको ये बताएं कि एक बार जब वो 18 साल की थी और एक फिल्म अपनी एक फिल्म के प्रीमियर पे गई थी, वो फिल्म थी उनकी गोलमाल, तभी जो है किसी ने पीछे से उनका पूरा गाउन खींचा और उनका पूरा गाउन फट गया था, और उस पार्टी में जो है पीछे से उनकी पूरी बैग दिखने लगी थी। तभी जो एक उनकी एक को स्टार थी पर्ल, वो उन्होंने उनको संभाला और फिर जो है वहाँ पर जो एक शर्मिंदगी वो जो महसूस कर रही थी उसको किसी तरह उन्होंने दूर किया। इसके अलावा भी बिंदिया गोस्वामी की एक ये कहानी है कि उन्होंने जो अपनी पहली कार सलमान खान के पिता सलीम खान से खरीदी थी, और वो कार थी मर्सिडीज। सलीम खान जो है उनकी फिल्म शान जो उन्होंने फिल्म लिखी थी उसमें बिंदिया ने काम किया था, और शक्ति फिल्म में भी सलीम खान ने ही उनको ये फिल्म दिलवाई थी, लेकिन रातों रात उस फिल्म से जो है बिंदिया गायब हो गई थी। बिंदिया गोस्वामी जब 18 साल की थी तभी उन्होंने जो है विनोद मेहरा से शादी कर ली थी। विनोद मेहरा की वो दूसरी पत्नी थी। इन दोनों की शादी जो है बस 4 साल चली और उसके बाद बिंदिया गोस्वामी उनसे अलग हो गई। विनोद मेहरा से अलग होने के बाद वो जेपी दत्ता के करीब होने लगी। बिंदिया गोस्वामी के घर वाले जो है इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनके पिता को लगता था कि जेपी दत्ता जो है उनकी बेटी से 13 साल बड़े हैं, लेकिन घर वाले जब नहीं माने तो बिंदिया गोस्वामी जो है जेपी दत्ता के साथ घर से भाग गई और राजस्थान में एक पेड़ के नीचे जाकर उन्होंने शादी कर ली। साल 2021 में उनकी बेटी ने जो है निधि ने जो है उसी पेड़ के नीचे जो है अपनी शादी की, और कहीं ना कहीं राजस्थान से उनका लगाव है। उनकी बेटी की शादी भी जो है राजस्थान के महल में हुई, और जो शादी की शुरुआती रस्में जो है उसी पेड़ के नीचे से हुई जहां बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता ने साथ फेरे लिए थे। तो बिंदिया गोस्वामी जो है जब उन्होंने जेपी दत्ता से शादी कर ली तब उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया, और उसके बाद जो है अपने पति की फिल्मों में वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का काम करने लगी। उन्होंने जो है बॉर्डर फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग किया, LOC करगिल के लिए जो है बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस का उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, उमराव जान फिल्म में जो है उन्होंने ऐश्वर्या के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया। तो अब जो है पूरी तरह से फिल्में बनाने में अपने पति को मदद करती हैं और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग करती हैं। लेकिन एक दौर था जब बॉलीवुड में बिंदिया गोस्वामी के काफ़ी चर्चे हुआ करते थे अपने अफेयर्स के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी फिल्मों के लिए जो है उनको हमेशा जो है चर्चा में वो रहती थी। और अब बिंदिया गोस्वामी जो है कहीं ना कहीं गुमनाम हो चुकी हैं।